अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फातमास किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी लेके आई हूँ बीफ शाही कोरमे की। तो चले आए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टी पॉट लेंगे और टी पॉट में 1 कप हम ऑयल डालेंगे। देखिए 1 कप ऑयल है हमारे पास, हमने इसमें डाल दिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो ये मेरे पास गरम मसाला है, एक तेज़पत्ता है, 3 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, ये मेरे पास 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद मेरे पास लौंग है, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास 1 किलो बीफ का गोश्त है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको इसके साथ ऑयल में गरम मसाले के साथ थोड़ी देर भूनूंगी। इस तरह से भूनने से गोश्त में बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। जब तक गोश्त भुना रहा है हमारा, जब तक मैं इसमें लहसुन अदरक की मेरे पास है इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखें, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है और बाकी लहसुन है, इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखें, हमने लहसुन अदरक को पीस लिया है, अब हम लहसुन अदरक भी इसमें डाल देते हैं, उसके साथ भी इसको भून लेते हैं। तो ये देखें, हमने लहसुन अदरक के साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइस डालते हैं। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, इसको लाल मिर्च कहा जाता है। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक के हैं, और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून पिसे हुए धनिया के हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको थोड़ा सा भूनते हैं स्पाइस में, ताकि इसके अंदर अच्छा सा जायका आ जाए। तो ये देखें, हमने स्पाइस के साथ भी इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब हमारे पास 1 कप दही है, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये 1 कप दही है मेरे पास, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसमें इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। देखिए, हम दही के साथ इसको भून रहे हैं। दही ने भी अभी इतना पानी छोड़ा था, इसके अंदर अच्छी तरह से ये भून जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये इतनी जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है कि आप अपनी घर की दावतों में और शादियों में भी लोग इस तरह का बनवाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। बिल्कुल आपको वैसे ही टेस्ट देगा जैसे हम लोग शादियों में अक्सर खाते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, अभी से ही इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो चलें हम इसको भुनने देते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा कोरमे का जो हमने दही वही डालना था सब भुना गया है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल देंगे। ये हमारे पास मेजरिंग जग है, इसमें हमने 1 लीटर पानी लिए, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसमें खौल आ जाए तो हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाए। तो हम 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ते हैं, इसको ढक देते हैं। 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो चले हम सालन देखते हैं। ये देखें, हमारी बोटियाँ अच्छी खासी गल गई हैं। तो अब हम इसके अंदर, हमारे पास ब्राउन प्याज है, हमने 1 कप ब्राउन प्याज ली है ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से चूरा कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये देखें, हमने इसको चूरा कर लिया है। इतनी भी प्याज थी मेरे पास कि मैंने इसमें डाल दिए। उसके साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मेरे पास जायफल जावित्री है थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून के करीब बनेगी। मेरे पास 3 से 4 अदद, 4 से 5 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है। ये दालचीनी है 1/2 टीस्पून, मेरे पास लौंगे हैं 4 से 5, ये 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं, और ये बादियान का फूल है। तो हम इसका गर्म मसाला पीस लेते हैं। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब काजू हैं, तो इसका भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने जब प्याज डाली थी इसमें भुनी हुई, भुन गया है और ऑयल ऊपर आने लग गया है। तो मेरे पास जो काजू का पेस्ट है जो मैंने बनाया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे पास काजू का पेस्ट है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ जाएगा इसमें, क्रीमी क्रीमी सा।
तो ये देखें इसके साथ भी हम इसको भून लेते हैं। इसको 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा कोरमा रेडी हो चुका है, बिल्कुल शादियों वाला जैसे बनता है उस तरह का बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। तो चलें हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें इसका बिल्कुल लुक शादियों वाला आया है। तो ये देखें हमारा बीफ शाही कोरमा रेडी हो चुका है। तो इतना मज़ेदार बना है कि शादियों का मज़ा आप घर पे उठाएं। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज बना है। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मज़ेदार सी रेसिपियाँ मैं आपको वक्त पे दे सकूँ। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।